ठीक है जी, करें क्लास को शुरू। यस सर। थैंक यू हाँ जी गुरु। गुरु, यही सुनना चाहता यस था। सर। हाँ जी गुरु, करो क्लास को शुरू। वेरी गुड। मन की बात जानते हो आप लोग? बस बोलते नहीं है सर, घर वाले ने मना कर दिया है, बोलना मत। ठीक है जी, तो बेटा आज का लिमिट का आखिरी दिन हमारा, लिमिट का बहुत प्यारा सा चैप्टर था सर, बहुत याद आएगी, इतनी याद आएगी सर कि हम कभी रोएंगे भी। याद रखें, इस चैप्टर में हम दोबारा एंट्री मारेंगे जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो लिमिट चैप्टर का द एंड हुआ है, लिमिट कॉन्सेप्ट का द एंड नहीं हुआ है। अभी ये कुछ दिन तक चलने वाला है, लिमिट कंटिन्यूटी में भी लिमिट आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिमिट आएगा, फिर से कुछ दिनों का लेंगे ब्रेक और दोबारा लिमिट में एंट्री मारेंगे जो पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन में। लिमिट एज सम बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है, एडवांस भर भर के सवाल पूछता है उससे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं सर अपने कॉन्सेप्ट पे। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। हमने सर अभी तक लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लिया, हमने लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीख लिया, हमने लिमिट यूजिंग सीरीज सीख लिया, लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन सीख लिया सर, लिमिट में रैशनलाइज कब करते हैं सर सीख लिया, लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल सीख लिया, सारा सीख कर बैठ गए अभी। अभी सर अपने को बहुत कुछ आता है, बस ये दो आ जाए तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट छूटेगा बेटा, उसका नाम है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम कुछ ज्यादा मेरे को बताने का मन है नहीं, तो मैं ट्राई करूंगा कि कभी 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास में लेकर आपको समझा दूं कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। एक सवाल बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे कि हर बार हम लोग बेटा हर फंक्शन में ही एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला याद करके बैठे, वैसे ही लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में भी आपको फॉर्मूला याद करना है। तो सारे बच्चे हेडिंग आएंगे सुंदर एवं सुनहरे अक्षरों में, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डालिए हेडिंग लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है सर कि लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है कि सर एक फंक्शन जिसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। सर लॉग कैसे इन्वॉल्व होता है बेटा? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन में आपको लॉग का शक्ल दिखेगा तो वही होता है लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। फॉर्मूला क्या सीखना है सर? फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू लॉग ए होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए पावर एक्स माइनस वन बाई ए लॉग ए होता है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा, जो हमने एक्सपोनेंशियल में सीखा, कि ये जो ए के पावर में है वो जीरो को टेंड करना चाहिए। तो अगर आपसे कोई बोले कि बेटा इसका जनरलाइज वर्जन क्या आप दोगे, तो बोलोगे सर देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, ए के ऊपर कोई चीज बैठा है, कोई भी चीज बैठा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर, माइनस में वन भी है, डिवाइड बाय जो ए के ऊपर बैठा है वो नीचे भी बैठा है, और वो चीज जब मेरा एक्स ए को टेंड कर रहा है तो मेरा, जब मेरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है तो मेरा फंक्शन जीरो की ओर अप्रोच करना चाहिए। ए के साथ जो बैठा है, साइन के साथ जो बैठा है जीरो होना चाहिए सर, टैन एक्स वाला फॉर्मूला में टैन के साथ जो बैठा है सर जीरो को टेंड करना चाहिए, ई पावर एक्स में सर जो बैठा है वो भी फॉर्मूला जीरो को टेंड करना चाहिए। सारा फॉर्मूला ही बेटा हमने वैसे ही सीखा है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। लगी सर? अच्छा, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक नहीं, ये तो लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल था। अब आते हैं बेटा लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का असली वाला फॉर्मूला में, जो कि है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वन। कैसे सर, आप प्रूफ कैसे करोगे? बेटा प्रूफ करना बहुत आसान है, आप लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपांशन जानते हैं, जितना डिग्री डिमांड करता है डिनोमिनेटर में उतना ही हम लोग ओपन करते हैं। तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपांशन अगर आपको याद होगा तो तीन चीजें आपको बताया था कि वन हटाते हैं, साइन प्लस माइनस लगाते हैं और फैक्टोरियल हटाते हैं, डिट्टो ई पावर एक्स वाला छाप देते हैं सर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स पावर थ्री बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर, गाना सर ऐसे ही चलता है क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री एक मांग रहा है। तो सर पहला टर्म ही खोलूंगा मैं,
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू पे जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ एक्स लिखूंगा। और क्योंकि एक्सपांशन में बेटा एक्स ऊपर है और नीचे एक्स पड़ा है, तो कट कर आंसर क्या देगा, वन देगा सर। क्या कहानी समझ में आ गई? यस सर। बढ़िया जी, बड़ा अधिकतर लोग बोल रहे हैं इस बार। क्या हो गया, डायरेक्ट सवाल में एंट्री मार दें? बिल्कुल सर। नहीं, आप लोग ना बोलोगे तो मैं नहीं मारूंगा ना, एक बार ध्यान देना। अगर आप लोग नहीं मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा। कराओ सर, कराओ। क्वेश्चन नंबर, धमकी देनी पड़ेगी सर बाद ही। क्या बोला बेटा आपने? धमकी देनी पड़ेगी तभी बोलेंगे बाकी। देखो मेरा एक ना सिंपल सा फंडा होता है, सच्ची बता रहा हूं। क्लास जितना शांत रहेगा उतना शांत होकर पढ़ाता हूं। एकदम क्लास नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोल के पढ़ाता हूँ, जब क्लास बोलता है तो बोल के पढ़ाता हूँ। देख जानना चाहते हो कैसा, शांत रूप में बताता हूँ कैसे मैं पढ़ाता हूँ। कुछ बोलना मत, ठीक है? पूरे एक घंटे तक हम लोग मौन व्रत रखेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। पहले आप लोग कुछ डायरेक्शन दे देता हूं। ये हर सवाल मैं, ठीक है? आप लोग एक मिनट के बाद मैं सॉल्यूशन इधर छाप दूंगा, आप भी छाप देना, चलेगा ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नो सर। बोलकर पढ़ना है? हाँ जी सर। यस सर। यस सर, बोल के। सारा एनर्जी लॉस करा दोगे आप लोग, उम्मीद नहीं था। चलिए ये दो सवाल, कोई बात नहीं, बाद में स्टिंग पी लेना। क्यों, मेरे को पापा का परी बनना है? स्टिंग गिव, नहीं नहीं, रेड बुल है ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। रेड बुल पियोगे आपको पंख खाएगा, रोने लग जाओगे। पहला सवाल बेटा, ऐसे सेम सवाल मैं करा चुका हूं, एक सवाल थोड़ा वार्म अप के लिए, उसके बाद हम लोग सेकंड में एंट्री मारेंगे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा मुश्किल है सर ये सब बताना, फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला, मैनेज करो लिमिट को, कहानी खत्म। ये कौन सा फॉर्मूला की जैसा दिख रहा है बेटा लोग? ए पावर एक्स माइनस वन वाला। yes, अभी क्या सिखाया आपको कि जो ए के पास है वो डिनोमिनेटर में दो, डिमांड सप्लाई, सर पूरा कहानी हमारा वैसा ही घूम रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए पावर एक्स मतलब फाइव पावर एक्स माइनस वन, इसको क्या चाहिए, एक्स दो और एक्स लो, दिया और लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे में टैन पड़ा है सर, टैन को क्या चाहिए सर, टैन को 2x चाहिए, तो 2x दो और 2x लो, हो गया बैलेंस सर। ये x और x कट गए, ये आंसर कितना देगा बच्चा लोग? log 5। मेरे को लग रहा था कोई बच्चा 1 बोलने वाला है, बच गए। और नीचे वाला आंसर क्या देगा? 1। सो फाइनल आंसर इज log 5। चमका, बिल्कुल चमक गया सर। log 5 by 2 नहीं होगा, 2 बचा है क्या? चलिए log 5 by 2 लिख दिया। यस सर, 2 बचा है। 2 बचा है, हां जी 2 बचा है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, छापिए जल्दी से। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। कैसे होगा सर, लॉगरिथमिक फंक्शन में सर ln दिख रहा है, हां जी अगर अगर ln दिख रहा है तो बेटा ट्राई करो कि ये बने। बहुत प्यारा सवाल है, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड में बनना चाहिए, आसान है। जल्दी, बी वेरी क्विक, जितना जल्दी हो सके आप बनाए। log 1 upon log 3 तो नहीं होगा? कितना? log 1 upon log 3। log 1 upon log 3 देख लेते हैं। वैसे केशव किया कैसे आपने, अप्रोच बताइए।
सर जो डिनोमिनेटर है वो ए की पावर हाँ जी एक्स माइनस वन वाला लग रहा है ना, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थ्री कर दिया डिनोमिनेटर वाले। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय थ्री नहीं ना बेटा, एक्स माइनस टू ना। नहीं समझे बेटा, आपका फॉर्मूला ये है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन, जो ए के पावर में होता है वही नीचे आना चाहिए, और वो चीज है वो जीरो को टेंड करना चाहिए। तो जरा एक बार देखो कि थ्री एक्स माइनस टू में जो एक्स माइनस टू है, क्या वो जीरो को टेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। जब एक्स मेरा दो को टेंड कर रहा है तो बेटा टू माइनस टू जीरो को टेंड कर रहा है। देन दिस इज द ओनली कंडीशन दैट व्हेन वी सप्लाई वी मैनेज डिमांड एंड सप्लाई, यही एक कंडीशन होता है कि अगर डिमांड ये है तो सप्लाई आप तभी करोगे जब वो चीज जीरो को टेंड करे, अदरवाइज आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उसको सप्लाई दे दें। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। लेकिन बात तो ये है ना सर कि हम यस इसको सर, मैनेज कर देंगे, हम इसको मैनेज कर देंगे, कोई पंगा नहीं है। लॉग वाला कैसे मैनेज करोगे सर? लॉग में तो फॉर्मूला आपके पास ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, सर फॉर्मूला ये है। तो बेटा आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि वन नहीं दिख रहा है तो दिखा दो। कैसे दिखाएंगे सर? प्लस माइनस लगा दो यार, कौन सी बड़ी बात है, प्लस माइनस लगा दो बन जाएगा। 1 मिनट, तो आप ये बोल रहे हो सर कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस, देखो मैं पहले लॉग वाला मैनेज करके दिखा रहा हूं आपको। एलेन ऑफ मेरा शक्ल ऐसा चाहिए वन प्लस समथिंग में, तो मैं क्या करता हूं सर कि मैं थ्री को फोर माइनस वन लिख देता हूं, चलेगा? सोच कर देखो, यस फोर माइनस वन लिख यस जाएगा, यस और मैं ऐसा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में, अच्छा वन प्लस समथिंग चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर। अब देखिए होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला ही लिखा हो सर, आपको यस कैसे किया कि ऐसे ही यस करना सर है। था? बेटा मेरे को इसलिए क्लिक किया क्योंकि मेरे को फॉर्मूला मालूम है कि वन प्लस समथिंग दिखाना होता है, तो मैंने वन प्लस समथिंग दिखा दिया। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी हम सर मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी डिनोमिनेटर को मैनेज नहीं करते हैं क्योंकि वो तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। पहले लॉग वाला मैनेज करके दिखाता हूं। अब मैं इस चीज को ऐसा लिख देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एलेन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल डिवाइड बाई, अब यहां पे मैनेज करके भी आपको दिखा रहा हूं, वन प्लस समथिंग में वो जो समथिंग है बेटा वो जीरो को टेंड करना चाहिए, तभी मैं डिमांड सप्लाई ये बात करूंगा। तो जरा देखो कि अगर एक्स मेरा जब टू की टू की ओर टेंड कर रहा है तो क्या ये पार्टी जीरो की टेंड कर रही है? हाँ कर रही है सर, टू स्क्वायर माइनस फोर जीरो होगा। तो अब मैं बैलेंस कर सकता हूँ सर, एक्स माइनस फोर से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस फोर से डिवाइड, सर दोनों काम कर दिया मैंने। नीचे वाला तो सर ऑलरेडी खुश है, कैसा खुश है वो? थ्री एक्स माइनस टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू करो और मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू करो सर। ये पार्टी बेटा वन, ये पार्टी जीरो एल एन थ्री ए पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स लॉग ए, और ये जो आप देखो, ये आप देखोगे तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू होगा, एक्स माइनस टू कट गया, ऊपर हमें एक्स प्लस टू बचेगा। मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूं कि ये पार्टी कैंसिल हुआ, एक्स प्लस टू बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से। फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एल एन थ्री। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? कुछ नहीं किया बेटा, टोटल गेम यस सर, है कि आप एक बार फॉर्मूले को रिकैप करें, क्वेश्चन को चेंज कर दो, गेम ही पूरा लिमिट का ऐसा है। इसलिए मैंने असाइनमेंट दिया है बेटा, रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट करो, आपको B1 बैच से डबल मेहनत करना है, याद रखें। अगर B1 बैच, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, चलो ध्यान से समझना। एक होता है एवरेज माइंडसेट, रुक जाओ आता हूं बेटा, सरिता आ रहा हूं आप पे। आपका नाम क्या है सरिता बेटा? यामिनी। यामिनी ना, हाँ जी, नाम चेंज कर लो ना बेटा, पेरेंट्स का नाम या आपकी बहन का नाम होगा ये। एक चीज बता रहा हूं सुनो ध्यान से, एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बैच बच्चे में एक फर्क जरूर होता है। टॉपर बच्चा असाइनमेंट नहीं करता है सिर्फ असाइनमेंट करने के लिए, हमेशा एक अच्छे बच्चों को देखोगे तो असाइनमेंट इसलिए करता है ताकि मैं सर दोबारा असाइनमेंट करूं तो मेरे को टाइम कम लगे। तो उसके दिमाग में एक असाइनमेंट सिर्फ एक बार नहीं चलता है,
और ये हमारा एवरेज माइंडसेट होता है। जितने भी लोग सोचते हैं ना कि सर ने होमवर्क दिया सर करके खत्म करना है, बेटा वो होमवर्क अपने आप के लिए नहीं दिया हूं मैं, मैंने कर लिया जितना करना था, मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया, असाइनमेंट बना लिया, क्वेश्चन जितने थे सर हमने भी कर लिया, काम खत्म। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सर ने जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट को अगर मैं दोबारा करने बैठूं तो सर पहले असाइनमेंट में अगर 1 घंटा लगा था तो अब की बार उसी असाइनमेंट में 1 घंटा से तो कम लगना चाहिए सर। अगर 60 मिनट में हो तो सर इस बार 50 मिनट में, दोबारा करूंगा सर तो 30 मिनट में करूंगा उसको। यहां से बनता है आपका स्पीड और पूरा जेई गेम है स्पीड का। आपको क्या लगता है बेटा कि 15 लाख में जितने लोग जाते हैं, 12 लाख 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, वो सारे के सारे बिना पढ़े हुए जाते हैं? नहीं, सारे पढ़े हुए नहीं जाते हैं, ना पढ़े हुए नहीं जाते हैं, पढ़े लिखे ही जाते हैं। वहां पे भी कुछ लोग हैं जो जाते भीड़ लगाते हैं, है कुछ लोग जाके भीड़ लगा देते हैं, वो है एक अलग बात। लेकिन ऐसा मत सोचिए, वहां पे ऐसे ऐसे लोग जाते हैं कि जो 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करके गए रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि उनका हो भी जाता है, नहीं भी होता है उनका। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हमने असाइनमेंट दिया तो उसको एक बार करें और दोबारा जब करें तो टाइम कम लग रहा है। अगर आपने पहले टाइम असाइनमेंट 1 घंटे में किया और दोबारा 2 घंटा ले लिया तो बेटा आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाया। दोबारा तो उसको आधा घंटा लगना चाहिए। हर असाइनमेंट को 2 बार करो। अगर B1 बैच 1 बार असाइनमेंट किया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप 2 बार नहीं 3 बार करो, क्योंकि आपके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है। उनको जितने में IIT मिलेगा बेटा उतना आपका कट ऑफ होता है, खास करके जनरल वाले बच्चों को बोल रहा हूं। उनका 90% आ जाए तो बेटा वो NIT में चले जाएंगे, और आप 90% लाओगे तो आपको कहीं को कुछ नहीं मिलेगा, लाइन में लगे रहोगे बस बस, अब मिल जाए अब मिल जाए अब मिल जाए अब मिल जाए, काउंसलिंग में फॉर्म भरते रह जाओगे। तो सोच लो कि किस लेवल का मेहनत आपको करना है। सर असाइनमेंट कौन से बैच में? बेटा A100 में डालता हूं मैं असाइनमेंट। आप A100 में नहीं जुड़े हो क्या? वेरी बैड, आज का ग्रुप नहीं बहुत पहले से ग्रुप बना है। चलिए जी, हाँ जी यामिनी बेटा बोलिए, क्या दिक्कत था आपको? सर जैसे आपने वहां पे 1 क्रिएट किया ना सर, मैंने उसको मतलब ना मैंने ऐसे लिख दिया ln(x²-3) था ना, मैंने लिख दिया कि मतलब मैं माइनस कॉमन निकाल लिया ना सर, तब इधर मेरा आंसर तो सेम ही आया 4/ln(3)। माइनस कॉमन निकाल लिया कैसे? हाँ जी, मैंने ब्रैकेट के अंदर 3-x² क्रिएट किया ना, और सर तो सर मैंने सॉल्व किया सर, मेरा आंसर तो उसमें तो भी सेम ही आया। नहीं, 3-x² आपने क्रिएट तो किया लेकिन उसके बाद क्या किया ये बताओ। उसके बाद एक काम करना बेटा, आप सॉल्यूशन अपना ग्रुप में डालना, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। मेरे को लगता है कि वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये भी फीलिंग आ रही है आपको? सर मैंने गलती की बीच में, लगता है। हाँ हो, कोई सोल्यूशन भेज देना, मैं मार्क करके दे दूंगा। चलिए एक सवाल और, लिमिट मैनेज करना सीखिए आप लोग। वापस से एक क्वेश्चन और आपके लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, देखते हैं कौन मैनेज करता है इसको। cos(x³-1) ln(1+x^6)(x²) e^(x²-1) -x²। समय देता हूं आपको 2 मिनट का। जो बच्चा लिमिट का असाइनमेंट किया उसको तो ये सब टाइम ही लगना चाहिए, और लिमिट असाइनमेंट में तो मैं बहुत अच्छा अच्छा सवाल डाल के रखता हूं। ये सवाल तो आपको आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। सर ये देखो ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, मारो खत्म सवाल। लिमिट सॉल्व कौन करता है? लिमिट मैनेज करते हैं सब। लिमिट के अच्छे सवाल ये सब नहीं होते, याद रखना। लिमिट के अच्छे सवाल होते हैं जिसमें सीरीज आता है, वो लिमिट के अच्छे सवाल होते हैं। ये सब तो पता नहीं, बोर्ड लेवल NCERT लेवल ऐसे ही सवाल है ये सब। करिए, समय मिलता है आपको सिर्फ 2 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी से ये सवाल नहीं हो रहा है तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख करके।
अगर वो बता दिए तो मैं फिर आगे देख लेता हूँ। अब मुझे बताओ सर किसका किसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लग सकता है, उतना भी बता दोगे काम हो जाएगा मेरा। लिमिट में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की जैसा नहीं है कि सर फॉर्मूला पे फॉर्मूला फॉर्मूला पे फॉर्मूला हम लोग रटे जा रहे हैं आए जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, यही तो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारा काफी फॉर्मूला है उसमें। चलिए किसी के दिमाग में आ रहा है बेटा आइडिया? दिव्या बेटा आप बता सकते हो कौन कौन से फॉर्मूला दिमाग में हिट कर रहे हैं आपके? और कोई बच्चा? विवेक बेटा आप बता सकते हो? विवेक, केशव, दिव्या, जेसिका, यामिनी, क्रिश, बहुत सारे बच्चे हैं यार, कोई तो बताओ। इसमें इंडिविजुअली एक्स का क्यूब दी है कोस में जो दी लिखा है। हाँ जी, अगर ओवरऑल क्यूब रहेगा तो वो क्यूब बेटा यहाँ पे दिखेगा, एक्स के पास नहीं दिखेगा। फॉर्मूला बताओ केशव, कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हिंट दे दो। नहीं आ रहे समझ में? मैं तो पहले a क्यूब माइनस b क्यूब सोच रहा था, अब वो नहीं लगेगा। ठीक है, सारे बच्चे हैंडरेज करेंगे ना जिनको ये फॉर्मूला समझा ही नहीं कि सर कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हैंडरेज करिए जरा। नहीं चमकाएंगे सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जस्ट रेज योर हैंड। जो हैंडरेज नहीं करूंगा मैं उससे पूछूंगा कि बेटा आपको फिर चमका रहेगा, तो ही तो आपने हैंडरेज नहीं किया है। कितने बच्चों को नहीं समझा है? 18। ये भी दिख रहे, देख पाएंगे ना कितने बच्चे जगे हैं अभी। सो टोटल हो गए 19। बाकी के बच्चे हैंड रेज नहीं किए, इसका मतलब कि उनको आ रहा है ना? कौन कौन हाथ ऊपर नहीं किया? अक्षित ने नहीं किया ना? नहीं किया है, किया इस बच्चे ने किया है। और किसने नहीं किया? अंकुश ने नहीं किया, अंकुश ने नहीं किया। बेटा अंकुश माइक ऑन करके जरा बताओ कैसे बनेगा ये सवाल। ये सब वो बच्चे हैं जो फोन रख करके चुपचाप क्या कर रहे हैं। अंकुश ने अभी हैंड रेज कर लिया लगता है। सर मैंने किया हैंड रेज? अच्छा मैं ही फिर गलती था, मैं कहां से नाम ढूंढूं। चलिए एनीवे थैंक यू बेटा, देखो से हम बोल तो दिया हैंड रेज किया आपने। मैं बता रहा हूँ बेटा लो फॉर्मूला कौन कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर्मूला पकड़ने नहीं आ रहा यार, कैसे लिमिट के असाइनमेंट करोगे आप लोग? इसलिए करना चाहिए था ना असाइनमेंट्स, पैरेलली करना चाहिए था। देखिए पहला फॉर्मूला सर मेरे को 1 - cos something दिख रहा है, वैसा एक फॉर्मूला हम लोग ने याद रखा है, वो फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। एक फॉर्मूला सर हमने ये देखा है। ln of 1 + something में सर log पे हमने एक फॉर्मूला जस्ट सीखा अभी, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 + x डिवाइड बाई x, ये 1 होता है सर, अभी जस्ट हमने देखा। ये वाला फॉर्मेट भी सर हम कल देखे थे, e पावर x माइनस 1 - x डिवाइड बाई x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 - x डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ होता है। ये फॉर्मूला हमने कहां से प्रूफ किया था? लिमिट यूजिंग सीरीज से। ये 3 फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है, और ये अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो बेटा ये सवाल नहीं बनेगा आपसे। लेकिन जिस मोमेंट पे ये तीनों फॉर्मूला क्लिक हो गया आप तुरंत बोलोगे सर अब मैं बताता हूं कैसे होगा, टेंशन ना लो। देखो कैसे, पहले चलो इसको मैनेज करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इस फोटो में लाते हैं। कैसे लाएंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सर 1 - cos x दिखाना है, तो मैंने सर माइनस कॉमन ले लिया 1 - cos x³। इसमें क्या है सर कि जो कॉस के साथ बैठा है उसका स्क्वायर नीचे आना चाहिए, तो सर ये कॉस के साथ एक्स क्यूब बैठा है उसका स्क्वायर एक्स पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये बच्चा खुश हो गया अभी, एक फॉर्मूला खुश। आगे चलो सर, ln ऑफ 1 + x⁻⁶, ln ने क्या बोला है 1 + something डिवाइड बाई समथिंग हो जाए, तो वही एक्स पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो सर ये भी खुश हो गया, ये पार्टी का भी काम तमाम सर खत्म। नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर बचा है, अब एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, इसको एज इट इज लिखो। यहां पे आते हैं सर, e पावर x² - 1 - x²
इसको क्या चाहिए सर, e के साथ जो बैठा है वो वन माइनस के साथ भी होना चाहिए और एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सर इधर तो है e के साथ जो बैठा है वो वन माइनस के साथ है, अब इसका स्क्वायर नीचे दिखाना है तो मैं एक्स का स्क्वायर कर दूंगा एक्स पावर फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड, सारा फॉर्मूला बन गया है। ध्यान से देखिए, एक्स पावर सिक्स न्यूमरेटर से कॉमन लो, डिनोमिनेटर में एक्स पावर सिक्स ऑलरेडी हाजिर है कटने के लिए, काट दो, बच क्या जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई एक्स पावर सिक्स प्लस में एलन ऑफ वन प्लस एक्स पावर सिक्स बाई एक्स पावर सिक्स होल डिवाइड बाई ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब तो पूरा फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है तो वैल्यू बताओ, उसका हो जाएगा माइनस हाफ, प्लस का उसका हो जाएगा वन और नीचे वाले का हाफ, आंसर इज माइनस वन माइनस हाफ, एक में से आधा अगर माइनस कर तो आधा बच जाएगा, आंसर इज वन, खत्म सवाल। क्या किया मैंने इसमें, कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग में ये आना चाहिए लिमिट के हर सवाल में कुछ ना कुछ फॉर्मूला छुपा होता है, हर सवाल में, और जिस सवाल में फॉर्मूला छुप गया लिमिट का आसान सवाल माना जाता है। लिमिट का डिफिकल्ट सवाल तब आएगा जब लिमिट में सीरीज आप इंसर्ट करा दो, वो थोड़ा अच्छा बनता है। चमक गया बेटा लोग? यस सर, यस सर। अगर ये चीज चमक गया, एक सवाल और दे रहा हूं, देखिए बनता है कि नहीं आपसे, नहीं बनेगा तो एक जरूर दिमाग लगाना कि आप मुझे फॉर्मूला बताओ कि सर ये क्वेश्चन देख करके मुझे ये फॉर्मूला याद आ रहा था। लिख रहा हूं आपके सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फोर पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन दोबारा उठाऊंगा जब कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, सेम क्वेश्चन दोबारा आएगा, इसका वैल्यू याद रखना हमेशा के लिए नहीं बस कुछ दिन के लिए, एक्स बाई ए एलेन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई सेवन ले लेते हैं। बताइए, या तो कीजिए, दो मिनट का टाइम देता हूं करने को, नहीं हुआ तो बस फॉर्मूला मुझे बता देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई पंगा नहीं, बस बताइए, ना हैंड डाउन कर लो, क्या हो गया, हैंड रेज करके रखे अभी भी। हाँ जी यामिनी बेटा बताइए, हो गया क्या सवाल? नहीं सर, सवाल हो गया तो बताओ, काम करता हूँ तब तक मैं दूसरे तरीका से आईपैड को कनेक्ट करता हूँ। सीरीज वाले क्वेश्चन लिख लिया ना आप सभी ने? यस यस। चलो ये तो बहुत अच्छी आदत है आप लोगों की, क्वेश्चन साथ में लिखते हो, गुड। बोलोगे सर पहली बार तो आप अच्छी बात बोले हो, जब देखो तब बस बोलते ही रहते हो सर आप, अच्छी बात कभी बोलते नहीं, बुरा भला बोलते रहते हो सर आप, है ना, यही तुम लोग बोलते रहोगे? नो सर, ना सर। चलिए जी अंकुश संधू सर, मैंने किया है हैंड रेस और ये बच्चा लेफ्ट कर लिया, चलिए लास्ट सवाल है लॉग वाले का, इसके बाद मैं वन पावर इनफिनिटी का बताऊंगा, वो तो बहुत प्यारा है यार, वो तो आप खोजोगे कि सर मेरे को यही फॉर्मेट दो। अक्षित बेटा आपको कुछ डाउट है क्या, आपने हैंड रेज करके रखा है? नो सर, सर गलती से रह गया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, डन बेटा लो, समय हुआ समाप्त, अब आते हैं अपनी कहानी में, नहीं हुआ सवाल कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में हिट कर रहा है, बताइए। परफेक्ट, पहला साइन एक्स वाला लग रहा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये फॉर्मूला सर मेरे को याद आ रहा था कि मतलब एक बार सर इसको मैनेज करना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्मूला बेटा याद आ रहा है? log of 1 plus x by x, ये हो गया 1,
फिर तीसरा फॉर्मूला याद आ रहा है सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बस हो गया। आप आपने फॉर्मूला बता दिया, मतलब आपने मेरा 70% काम आसान कर दिया। अब मेरे को बस मैनेज करना है लिमिट। देखिए कैसे मैनेज करते हो। सबसे पहले आप लोगों ने बताया कि सर साइन एक्स वाला निपटाओ। चलिए कोई ना, आराम से करते हैं, सीक्वेंस वाइज करते हैं, कंफ्यूज भी नहीं हो गया। ऊपर में ए पावर एक्स वाला फॉर्मेट है, लो जी सर मैंने कर दिया। 4 पावर x-1 को मेरे को एक्स देना पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर में बेटा, तो मेरे को बाहर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? बेटा होल स्क्वायर है ना, तो इधर x का स्क्वायर बाहर दोगे तो ही बैलेंस होगा। वो नीचे सर साइन एक्स बाई ए है, तो इसको डिवाइड में x बाई ए देना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में x बाई ए देना पड़ेगा। सर ln की बात करते हैं, सर ln ऑफ 1 + x²/7 है। और याद रखना बेटा कि सारे क्वेश्चन में x जीरो को टेंड कर रहा है, तो मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा हूं। मुझे मालूम है कि सर अगर x जीरो को टेंड किया तो अल्टीमेटली सारे जो साथ में बैठे हैं वो जीरो को टेंड कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छे सवालों में जरा दिमाग लगाना कि जो बैठा है वो जीरो को टेंड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई तभी करेंगे सर बात जब एक जीरो को टेंड करे, क्योंकि हर फॉर्मूला में एक जीरो को टेंड करके बैठा है। हाँ जी सर, अब आगे, अब कुछ नहीं सर, इसको खुश करना है, तो एक्स पावर सेवन का एक्स स्क्वायर बाई सेवन और एक्स स्क्वायर बाई सेवन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर। बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई सर। कुछ पंगा तो नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में एक्स स्क्वायर है, नीचे में एक एक्स बच रहा है और एक जीरो को टेंड कर रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा होना चाहिए था एक्स क्यूब, यहां एक्स क्यूब कर दे तो हो जाएगा शायद, यहां एक्स क्यूब लगा देते, होना भी चाहिए एक्स क्यूब, नहीं तो एक्स बच जाएगा मेरा, एक्स बच जाएगा तो अल्टीमेटली फिर से पंगा क्रिएट कर देगा। कोई ना, क्वेश्चन को सुधार लेते हैं। एक्स क्यूब, अब मेरे को डिनोमिनेटर पे से एक्स क्यूब हटता दिख जाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला एक्स क्यूब और ये दोनों पार्टी, काम खत्म हो गया। अब आते हैं एक फॉर्मूला पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, लॉग फोर, क्योंकि क्यूब है तो हो जाएगा लॉग फोर का क्यूब। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग, वन, इसका आंसर क्या होगा वन, लेकिन ये सेवन, ये सेवन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बैठा है। केयरफुली देखिए, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में बैठा है, याद आ रहा है बेटा, ये c अपॉन d, तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। यस सर। ठीक है, तो 7 आ जाएगा, 7 यहां पे आ जाएगा। चमका? यस सर। यस सर। 7 into log 4 नहीं लिखना चाहिए, log 4 लिख रहा हूं तो मैं मैथमेटिकली इसको गलत लिख रहा हूं, मुझे ln 4 लिखना चाहिए। रीजन ये है कि जब हम ln लिखते हैं तो हमारा बेस में e आता है, जब हम log लिखते हैं तो हमारा बेस में कुछ और आता है, a आ जाएगा, b आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, मर्जी ऑफ क्वेश्चन, बस यही। तो यहां तक हमारा कहानी हुआ समाप्त लॉगरिथमिक फंक्शन का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, जो है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी, वेरी फेमस, लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है इस लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 पावर इन्फिनिटी या लिमिट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म लिखते हैं, फंक्शन क्यों लिखेंगे, 1 पावर इन्फिनिटी हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे लोग, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी। लिमिट के अच्छे क्वेश्चंस यहां से क्रिएट होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस यहां से क्रिएट हो जाएंगे आपका। अब 1 पावर इन्फिनिटी वाला सर कैसा करते हैं बेटा, 1 पावर इन्फिनिटी में फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को चेंज करना होता है। अब होगा क्या वो देखिए आप, इसमें ये होता है बच्चा लोग कि लिमिट में, ध्यान से देखिए, अगर आपका सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 + f(x)g(x), और आप ये देख रहे हैं कि जब मैं f(x) का लिमिट निकालता हूं a पे, तो ये जीरो को अप्रोच करता है, और जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g(x) निकालता हूं तो ये इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो बेटा जब x इक्वल टू a पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, x इक्वल टू a पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को।
वन प्लस जीरो पावर में इनफिनिटी, कौन सा फॉर्म बन गया बेटा लोग, वन पावर इनफिनिटी। और याद करिए पूरे पावर में हमने तीन फॉर्मेट पढ़ा था जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बनाते थे, पहला हो गया आपका जीरो पावर जीरो, दूसरा हो गया इनफिनिट पावर जीरो, थर्ड था हमारा वन पावर इनफिनिटी। जब भी ऐसा सवाल आए बेटा सवाल को चेंज करिए, चेंज करना होता है कुछ ऐसे ढंग से, आप लिखेंगे इसको e पावर, सवाल मिला लिख दो वन पावर इन्फिनिटी, जैसे ही पकड़ा आपने कि सर वन पावर इन्फिनिटी है, सवाल चेंज कर दो, e के पावर में लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, e के पावर में पूरा सवाल, जो जो पावर होगा उसको आगे बुलाओ, बोलो जी जी ऑफ एक्स ऐसा हो गया वन प्लस एफ ऑफ एक्स में माइनस वन कर दो, आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। कैसे आएगा सवाल देख बताता हूं आपको, आपको सवाल देके बताता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पहले समझिए उसके बाद कुछ करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे लिखता हूं बेटा वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स पावर में टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्म बताइए टेन जीरो पे कितना होता है कॉट पाई, टेन जीरो पे जीरो होता है ना शायद, टेन जीरो पे जीरो, तो मैं इसको कर देता हूं पाई बाई टू, मैं इसको किया पाई बाई टू, फॉर्म बताइए बेटा लो कॉट पाई बाई टू कितना होता है जीरो, यस यस सर, एन पाई बाई टू कितना होता है इनफाइनाइट, तो जब मेरा एक्स पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है तो कॉट हो गया जीरो, जब मेरा एक्स पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है तो टेन हो गया इन्फिनिटी, तो फॉर्म कौन सा बन गया बेटा लो वन पावर इन्फिनिट का, वन पावर इन्फिनिटी, वन पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में। सर हमको क्या करना होता है बेटा, सवाल को चेंज करना होता है, कैसे चेंज करना होता है अगर याद आया तो बता दें, e के पावर में पूरा सवाल लिखे x to tends to pi by 2, पावर में उसको आगे लिखूं, पावर को आगे लिखेंगे x और वहां 1 x माइनस 1 लगा देंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होता दिख जाएगा आपको, तो काट दो, बच क्या जाएगा, बच जाएगा सर e लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, दुनिया जानती है सर कि अंदर में बचा है कॉट स्क्वायर एक्स, उसको मैं वन बाई टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं, कोई पंगा नहीं है सर, काट दो, ओवरऑल क्या बच गया कॉन्स्टेंट वन हो गया, लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, सर कॉन्स्टेंट पे लिमिट थोड़ी लगता है, लिमिट तो सर फंक्शन पे लगता है, आप कॉन्स्टेंट पे कब से लिमिट निकालने लग गए आप, तो फाइनल आंसर इज बेटा ई पावर वन, और ये हो गया आपका आंसर, लॉजिक समझा, यही तरीका yes, बेस्ड ऑफ टू सॉल्व वन पावर इनफिनिटी, यही करना है आपको। अब एक बच्चा सवाल किया सर ये ई टपका किधर से, ये बताओ मुझे, वैलिड है, बिल्कुल सही सवाल है, अगर आपके भी मन में आया सर ये अपने मर्जी से ही क्यों लिख रहे हो आप, मैं प्रूफ दे रहा हूं ई आता कैसे है, क्या ये सवाल के स्टैंडर्ड अप्रोच है सर, नहीं, हमने बस एक तरीका निकाल लिया, क्योंकि हर वन पावर इन्फिनिटी में ई इन्वॉल्व होता ही होता था, तो हमने ई को अल्टीमेटली एक फॉर्मेट ही बना दिया कि वन पावर इन्फिनिटी जब आपको दिखेगा तो बस ऐसा लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब मैं सेम क्वेश्चन को बेटा, सेम क्वेश्चन को नया तरीका से समझा रहा हूं, जिसमें बिल्कुल ये फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा, देखिए कैसे, ध्यान से समझिए आप लोग, ये रहा आपका सवाल, कैसे सॉल्व होता है ओरिजिनल तरीका बता रहा हूं आपको, हम क्या करते हैं बेटा लोग, y इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स पावर में टेन स्क्वायर एक्स मान लेते हैं, लेट से कि y का वैल्यू ये है, अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया सर आपको फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू वाई, ये आपको फाइंड करना है सर। अब एक चीज तो मुझे मालूम है कि जब भी पावर को हटाना होता है हम लॉग बुलाते हैं, और जब पावर को लगाना होता है तो लॉग हटाते हैं, पावर हटाना है लोगों को बुलाओ, पावर किसी का भी पावर हटाना है तो बेटा लोग आएंगे तो पावर हट जाता है, अल्टीमेटली जनता सुपीरियर है, ऐसा ही मान के चले आप, तो जब पावर हटाना है लॉग बुलाओगे और पावर लगाना है लॉग हटाओगे, या उल्टा भी समझ लो कि जब लॉग हटते हैं तो पावर आता है, जब पावर हटता है तो लॉग आते हैं, मैंने लॉग लिया दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इट विल बी लॉग वाई
दुनिया जानती है सर, लॉग आते ही पावर हटता है और आगे आ जाते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब मेरा सवाल लॉग वाई फाइंड करना नहीं था, मेरा सवाल था लिमिट फाइंड करना वाई में। अब की बार लिमिट लगा देते हैं बेटा लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या लिखूंगा, टेकिंग लिमिट बोथ साइड व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो। लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टैन स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बेटा राइट साइड वाला सॉल्व कैसे होगा सर, ये तो लॉग वाला चीज दिख रहा है आपको, लॉग ऑफ वन प्लस समथिंग, और वो जो समथिंग है जीरो को टेंड कर रहा है, व्हाट इज द बेस्ट आइडिया टू सॉल्व दिस सर, वन प्लस समथिंग जो समथिंग को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो बेटा यहाँ पे लिमिट को खुश करने की बारी आती है, चलिए सर लिमिट खुश करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई और कॉट स्क्वायर एक्स का डिवाइड, हो गया सर कहानी खत्म। ये पार्टी कितना बच गया बेटा लोग, वन, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप लोग, वन बाई टेन स्क्वायर एक्स, वन अपॉन टेन स्क्वायर, वन राइट साइड पूरा वन, राइट साइड पूरा वन हो गया। तो मैं ऐसा लिखूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वाई इज इक्वल टू वन, राइट साइड मैंने सॉल्व करके आपको वन दिखा दिया। अब एक बात ध्यान देना कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन लिमिट से बाहर आ जाता है, लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ बिगाड़ता ही नहीं है, क्योंकि याद रखिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि लिमिट हम वहां पे डिफाइन कर दें जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे या फंक्शन टूटे, फंक्शन ब्रेक हो। लॉग कभी टूटता ही नहीं सर, लॉग कभी ब्रेक होता ही नहीं है, तो आप लिमिट क्यों निकालोगे इसका, लिमिट कॉमन आ जाएगा वो लिमिट से। अगर हो सकता है तो लिख लीजिए कि वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम लॉग, सॉरी ये लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, वी कैन टेक कंटिन्यूअस फंक्शन कॉमन फ्रॉम लॉग, समझ गए। अगर साइन रहेगा तो कॉमन ले लीजिए, कॉस रहेगा कॉमन ले लो, क्या जेंटेक्स कॉमन ले पाओगे बेटा लोग, नहीं जेंटेक्स सर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब देखिए लॉग में कॉमन ले रहा हूं तो बेटा ये हो जाएगा लॉग लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वाई इज इक्वल टू वन। अब आप लोग जानते हो सर ये लॉग तो है नहीं, ये ln ही लिखना चाहिए था मुझे, ताकि आपको समझ में आए कि सर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ln, ठीक है चलो मैं सुधार दूंगा ln लिख दूंगा। अभी ln हटाओगे, ln का बेस कितना होता है बेटा e, ln हटाओगे तो उधर जाके क्या बनेगा, पावर में जाता है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो y इज इक्वल टू e पावर वन, और यही हमारा आंसर आया था। कितने लोग समझ पाए कि सर ये कहानी तो हर बार की चलेगी, हर बार आप लॉग लोगे, एक बार की नहीं है कहानी, हर बार की है, मैं हर बार लॉग लूंगा, पावर वाला आगे आएगा, लास्ट में लॉग कॉमन आएगा, एलन बाहर आएगा, हटाओगे ई पावर में जाएगा, हर बार यही होता है। तो लोगों ने फॉर्मेट ही बना लिया कि सर डायरेक्ट ऐसा लिखू ना, किसने मना किया आपको, समझ गए, क्लियर है कि नहीं। यस सर, हाँ जी सर, कौन सी बड़ी बात है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए करते हैं सेवा समाप्त, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे। सर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करा दो, एक और क्वेश्चन करना है आपको। यस सर, यस सर, करा दो, कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, कोई पंगा नहीं है। अच्छा सवाल करो कि खराब, अच्छा करो, लो जी लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फाइव डिवाइड बाय टू प्लस रूट में नाइन प्लस एक्स पावर में एक्स जीरो पे, कौन सा फंक्शन ले, कॉस एक्स ले लेते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए,
कितना समय चाहिए आपको? 8:06 हो रहा है, 2 मिनट आप टाइम लो, 8:15 तक अपना क्लास निपट जाना चाहिए, उसके बाद कहानी समाप्त करेंगे हम लोग। अच्छा एक काम करो बेटा, लोग मैं हिंट दे दे रहा हूं, आप लोग कर लेना, एक और बढ़िया सवाल कराता हूं, ठीक है? इसको ट्राई करना, ग्रुप में भेज देना, ये बना लोगे मैं जानता हूं, क्योंकि B1 बैच में भी ये सवाल दिया था। एक सवाल देता हूं, वो करके दिखाओ जरा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 1 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस में n पावर x होल डिवाइड बाई n और में 1/x, बताइए क्या होगा? क्या आप ये सवाल को कर सकते हैं? बोल नहीं रहे हो बेटा, फॉर्मेट बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? फॉर्मेट बताओ, सिर्फ फॉर्मेट बताइए। 1 की पावर x को जब जीरो रखेंगे बेटा, ये एनीथिंग पावर 0 1, एनीथिंग पावर 0 1, एनीथिंग पावर 0 1, एनीथिंग पावर 0 1, क्योंकि 1 1 1 1 n टाइम्स आया, तो टोटल सम n, n by n 1, जीरो रखोगे यहाँ पे तो 1/0 इनफिनिटी, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 पावर इनफिनिटी। अब आते हैं डायरेक्ट कहानी में, सर कहानी क्या बोल रहा है आपका? कहानी ये बोलता है कि सर अगर कभी 1 पावर इनफिनिटी फॉर्म दिख जाए, 1 पावर इनफिनिटी फॉर्म दिख जाए, एक ही काम करना होता है सर, ई पावर में लिखने का तरीका क्या है बेटा लोग? ई पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पावर को आगे बुलाए, बाकी सब में फंक्शन में -1 लगाए, 2 पावर x प्लस 3 पावर x डिवाइड बाई एन पावर एक्स होल डिवाइड बाई एन माइनस में 1 लगाए। तो एक काम करता हूं, फिलहाल मैं सिर्फ इतने फंक्शन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, बाद में सर ई पावर में लिख देंगे। चलिए करते हैं इसको शुरू और कलर कर देते हैं इसको ग्रीन, ताकि आपको समझ में आए कि सर इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1/x, 1 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 3 पावर x, सेम फॉर्मेट एक बार मैं बता चुका हूं क्लास में, एन को करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, उसमें 100 आया था, केशव को ये सवाल डाउट भी आया था कि सर उसको मैनेज कैसे करना है, फिर मैंने बताया था कि बेटा ऐसे सवालों का स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, ये जो 100 देख रहे हो वो 100 बार 100 है, मैंने आपको बताया था कि जो टर्म यहाँ पे आता है वही बगल में आता है, उतनी ही बार उसको तोड़ देते हैं और हर बार -1 -1 -1 -1 दे दिया जाता है, याद है वो सवाल? मैंने दूसरे तरीके से कर लिया था। क्या बात है, वेरी गुड, जीपी से किया था ना आपने? यस सर, जीपी से, मेरी उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस, बाकी ठीक था। एन टाइम्स इसको 1 लिख दीजिए और हर 1 को भेज दीजिए यहाँ पे। एक्चुअली पहले ये जो सवाल है ना बेटा बहुत फेमस था, फिर इसको बोर्ड वाले पूछने लग गए, फिर धीरे 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 ऐसा समझो कि इंडिया का हर स्टेट ये सवाल पूछ दिया, हर बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है, लगभग लगभग इतना फेमस हो गया ये सवाल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1/x, अब मैं क्या कर रहा हूं, हर 1 को एक एक टर्म को दे रहा हूं, हर 1 को एक एक टर्म को दे रहा हूं, हर 1 को एक एक टर्म को दे रहा हूं, ये हो जाएगा 1 पावर x माइनस 1 और n को स्प्लिट कर दिया, मैं n को स्प्लिट कर दिया, या कोई दूसरा तरीका है तो भी बता सकते हैं आप। कुछ और ले सकते हैं हम लोग बाहर में, 1 पावर x माइनस 1 दे दिया, नीचे में n आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका है तो वही। अब मेरे दिमाग में सर लग रहा था सर कुछ खुरफाती आइडिया लगा दें, लगा नहीं, चलिए कोई ना, एक बार इसको अंदर भेज देते हैं, इसको अंदर भेज दिया, इसको बाहर भेज दिया, क्यों भेजा आपको मालूम पड़ जाएगा, अल्टीमेटली बेटा n कांस्टेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा बाहर फेंक दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बचाया कुछ नहीं और करके 1/n, हर x को एक एक बार दे दो, ये हो जाएगा प्लस में
टू पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में थ्री पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बन जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा बेटा लोग, एन पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बन जाएगा। अब ये सारा आपको फॉर्मूला दिखेगा ए पावर एक्स माइनस वन बाई ए पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा लोग वन बाई एन इंटू में ये क्या बन रहा है लॉग वन, ये क्या बन रहा है लॉग टू प्लस ये क्या बन रहा है बेटा लॉग लॉग थ्री सॉरी यस लॉग फोर, ऐसा ही बनते ही जाता और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा लॉग एन लॉग एन। कितने लोग जानते हैं कि सर लॉग प्लस में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? यस सर। बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख दो सर वन बाई एन इंटू लॉग ऑफ वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू ऐसा कर करके कहां तक बेटा लोग एन तक। लेकिन क्या ये मेरा पूरा लिमिट का आंसर है? नो, पूरा लिमिट का आंसर नहीं है सर। अगर आपको लिखना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन का पावर में वन बाई एन, लॉग के पावर में भी जाएगा। और ये किसका आंसर है बेटा लोग? सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी का। लेकिन अल्टीमेटली मेरे आंसर के लिए ई के पावर में लगाना था। चलिए मैं ई के पावर में लगा देता हूं। ई के पावर में क्या हो जाएगा बेटा लोग लॉग, लॉग तो लिखना ही नहीं चाहिए, एलएन लिखना चाहिए, वन इंटू टू इंटू थ्री। अब लॉग लिखने का आदत सा हो गया तो लॉग लिख देते हैं, लेकिन आप लोग एलएन लिखने का आदत डालें। क्या ये फॉर्मूला याद है बेटा लोग? ये वाला, अगर ए होता है लॉग के बेस में भी ए हो बी, अल्टीमेटली क्या होता है बेटा लोग, आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो एलएन में बेस कुछ नहीं है तो ई माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन तक। दुनिया वाले इसको ऐसा भी लिखते हैं, ध्यान से समझे। अगर ये सम में होता तो मैं सिग्मा लिखता, दुनिया वाले प्रोडक्ट के लिए पाई यूज करते हैं और बताते हैं कि पाई ऑफ आर व्हेन आर इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, ऐसा लिख सकते हो, एक तरीका है लिखने का। अरे सम में रहता तो मैं क्या लिखता, सिग्मा आर आर इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, सम में रहता तो, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो मैं पाई के फॉर्म में लिख दूंगा। ये मैं इसमें जानकारी के लिए बताया हूं, बाकी आपका आंसर यहीं पे है, आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो। ठीक है जी, कराए एक और बढ़िया सवाल हम बताओ सर। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जाइए, मंडे मिले, कल मिलेंगे आपसे 8:30 बजे। कल लिमिट का डाउट सेशन है, एक घंटा हम लोग, एक घंटा डेढ़ घंटा जो भी होगा प्रैक्टिस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा बेटा लोग जितने भी पिछले दो टेस्ट से लिमिट के सारे सवाल हैं सारा करा दूं। ठीक है, बोल ही रहे हो यार। ओके सर। कैसी लगी आज की क्लास? हमारी मजा आया आपको?